देखो 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं सवाल में आपको क्या बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि परवीन करके एक बंदा या बंदी जो भी है, वो ये बेसिकली अपने कार के लिए एक टेम्प्रेरी शेल्टर बनाना चाहता है। ओके, जैसे लोग अपने घर में व्हीकल्स को पार्क करने के लिए पार्किंग बनाते हैं, तो वैसा ही, ताकि उसकी कार को धूप, मिट्टी, बारिश ये सब ना लगे, वो एक टेम्प्रेरी शेल्टर देना चाहता है। ठीक है, विथ टारपुलिन। अब ये टारपुलिन क्या है? खैर, इस पे हम लोगों की जो चर्चा है, टारपुलिन क्या है, ये हम बाद में करेंगे, बट पहले क्वेश्चन के लिए आगे डेटा कह लेते हैं। बोल रहा है, ध्यान से सुनना, कवर्स ऑल द फोर साइड्स। देखो उसने क्या बोला कि वो अपने गाड़ी को ढकने के लिए एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाना चाहता है। अब बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्यूब और दूसरा आना चाहिए क्यूबॉइड। अब क्यूब और क्यूबॉइड में कौन सा, ये डिसाइड करने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कहाँ कहाँ से आपका फिगर क्लोज रहने वाला है। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो इसने क्या बोला है कि जो शेल्टर बनाना चाहता है, शेल्टर में वो चारों साइड्स को कवर करेगा। जैसे चारों साइड्स में क्या आता है, चार साइड्स का मतलब क्या होता है, चार साइड्स का मतलब होता है लेफ्ट पार्ट को भी कवर करेगा, राइट पार्ट को भी कवर करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको भी कवर करेगा, जो बैक वाला पार्ट है वो उसको भी कवर करेगा। ओके, ठीक है। एंड टॉप ऑफ द कार, और कार के टॉप को भी कवर करेगा, मतलब टॉप से वो जैसा दिखता है। लेकिन अच्छा, उसके अलावा उसने ऐसा लिखा है कि देखो फ्रंट फेस इस तरीके से बनाया जाएगा जिसको वो रोल्ड अप कर सके, यानी कि बेसिकली फ्रंट फेस जो है उसका हमारे घरों की दीवार के जैसा नहीं होगा, फ्रंट फेस उसका शटर के जैसा होगा, दुकानों में शटर होता है ना, वैसा होगा। ठीक है, ओके। फिर उसने देखो आगे क्या बोला है कि अज्यूमिंग दैट द स्टिचेस मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल एंड देयर फॉर नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है जिस क्वांटिटी को आप इग्नोर कर सकते हैं, जिसे छोड़ो तो बहुत ही कम है, ऐसे कर सकते हैं अगर, उसे कहते हैं नेग्लिजिबल। यानी कि देखो, हमने जब पिछली बार शांतिलाल वाला सवाल किए थे तो उस वक्त मैंने क्या बताया था कि जब हम किसी चीज़ को बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देंगे, तो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ आपको एक्स्ट्रा लगेगी, राइट? क्योंकि आपको जो एरिया चाहिए अगर आप वही सेम क्वांटिटी का कोई भी मटेरियल खरीद के ले आते हो, और आप ऐसा सोचते हो कि उसको लाने से अरे वाह हमारा बॉक्स बन गया उसी सेम एरिया का, तो ऐसा नहीं होता। उस बॉक्स को जब आप फोल्ड करते हो तो कुछ एरिया आपको एक्स्ट्रा लगता है, जो कि पिछले क्वेश्चन में 5% दिया था, राइट? बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने बोला है कि स्टिचिंग मार्जिन्स बहुत ही छोटी होंगी, इतनी छोटी होंगी कि आप उसे इग्नोर कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन में अपन को ज़बरदस्ती की बहस नहीं करनी है कि इसमें भी तो मैडम एक्स्ट्रा लगेगा, तो हमने एक्स्ट्रा तो निकाला ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने कह रहा है इग्नोर करो, खत्म। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है हाउ मच टारपुलिन वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आगे का मत पढ़ना, लेकिन क्वेश्चन समझ लो कि कितनी टारपुलिन हमको लग रही है। ये इसी तरीके का क्वेश्चन है कि उस कमरे को पेंट करने के लिए पेंट कितना लग रहा है। ठीक है, उस कमरे में क्या कहते हैं, वॉलपेपर्स लगाने के लिए वॉलपेपर्स कितने लग रहे हैं, एक डब्बा बनाने के लिए आयरन कितना लग रहा है। तो कौन सी चीज़ कितनी लग रही है, उसका कितना कॉस्ट आ रहा है, ये सब तब निकाला जाएगा जब ये पता होगा कि हमारा फिगर कैसा दिखता है। तो देखो उसने क्या बोला है कि जो बॉक्स आप बनाओगे कार को ढकने के लिए, उस बॉक्स के डायमेंशंस क्या होंगे, उसके बेस के डायमेंशंस क्या होंगे, 4m × 3m। पहला डेटा L को इंडिकेट करेगा, दूसरा डेटा B को इंडिकेट करेगा। यानी कि यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन में जो आपको लेंथ दिया हुआ है, वो बेसिकली आपको लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ आपको दिया हुआ है L, यानी कि 4 मीटर। आपको यहाँ पे ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ यानी कि B आपको दिया है 3 मीटर। और उसके बाद
हाइट यानी कि एच ये आपको दिया है 2.5 मीटर, ठीक है। अच्छा कि जो शेल्टर आपको बनाना है उस पर्टिकुलर शेल्टर के ये डायमेंशंस हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि शेल्टर चार साइड से होगा, तो चार साइड्स का मतलब ये होता है, और साथ ही साथ में क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि वो टॉप से रहेगा, तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, ठीक है, कि शेल्टर इज टू बी मेड फ्रॉम फोर साइड्स, ठीक है। हम लोग उसको कहाँ से बनाने वाले हैं, चार साइड से बनाने वाले हैं, ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, लेफ्ट, ठीक है, कॉमा राइट, कॉमा फ्रंट, कॉमा बैक। हाँ, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि मैडम वहाँ पे देखिए ज़रा कि फ्रंट वाले में तो रोल होगा, तो रोल के लिए तो एक्स्ट्रा लगेगा, वो नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में इग्नोर करने को बोला है, हम भी इग्नोर करेंगे। एंड फ्रॉम टॉप, यानी कि टोटल ऐसी 5 जगहें हैं जहाँ पे आप वो शेल्टर बनाने वाले हो, तो अगर आपको उस शेल्टर का एरिया कितना है ये अगर आपको पता करना है, तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, वो जो चारों की चारों साइड्स हैं उन चारों की चारों साइड्स का एरिया ऐड करना पड़ेगा, प्लस वो जो एरिया आपके टॉप का है वो आपको टॉप वाला एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब बॉटम को छोड़कर सब कुछ ऐड करना है। तो अगर कोई रट्टू तोता है तो वो क्या सोचेगा कि फॉर्मूला होगा 2 LB + BH + LH, बट जिसमें बुद्धि है वो तुरंत बोलेगा कि नहीं यार, इस फॉर्मूले में तो चार साइड्स लग रही हैं, यानी कि एरिया किसका लेफ्ट का, प्लस एरिया किसका राइट का, प्लस एरिया किसका फ्रंट का, प्लस एरिया किसका बैक का, प्लस एरिया किसका टॉप का। अच्छा, जो नीचे का बॉटम होता है बॉटम को नहीं लिया जा रहा है, तो वो तुरंत दिमाग लगाएगा, फिर वो अपनी नोट्स कॉपी देखेगा कि अच्छा मैडम ने लेफ्ट वाले का एरिया कितना बताई थी, लेफ्ट का एरिया बताई थी BH, राइट का भी BH ही होगा, उसने फ्रंट का एरिया कितना बताई थी, फ्रंट का एरिया बताई थी LH। अच्छा, अगर फ्रंट का एरिया LH है तो बैक का एरिया भी LH होगा। अच्छा, इन्होंने टॉप का एरिया कितना बताया था, इन्होंने टॉप का एरिया बताया था LB। वो अपना खुद फॉर्मूला बनाएगा ऐसे, तो देखो BH + BH दैट इज 2 BH, LH + LH दैट इज 2 LH, वो बेचारा अकेला रह गया। अब तुम सोचो क्या ये वही फॉर्मूला है जो आप लोग अपनी बुक्स में रटते हो, 2 LB + 2 BH + 2 LH, नहीं, इसमें इस LB के आगे 2 नहीं है। एक बार कई लोग सवाल ही रट लेते कि अच्छा ये वाला सवाल आया तो LB के सामने 2 लगाएंगे, ये वाला सवाल आया तो BH के आगे 2 लगाएंगे, ऐसे रट लेते, तो रटना नहीं है, फॉर्मूला खुद बना, ख़त्म। अब तुम चाहो तो वैल्यूज पुट कर सकते हो या फिर कॉमन निकाल सकते हो, जितना कॉमन निकल रहा है। मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आप कॉमन निकालिए, उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं, कैलकुलेशन में काफ़ी बचते भी एफर्ट्स। तो इन दोनों में से देखो हम लोग चीज़ों को कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, H कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा B + L, और यहाँ पे + LB वैसे का वैसी। अब वैल्यूज पुट करो, H आपको कितना दिया है, H आपको दिया है 2.5, B + L ये आपको कितना दिया है, B यानी कि 3 और L यानी कि 4, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 3 + 4, + LB यानी कि 3 × 4। अच्छा, 2 × 2.5 दैट विल बी 5, 3 + 4 यानी कि 7, और + 3 × 4 = 12। अभी गधे जैसे इन दोनों को ऐड मत कर देना, बचपन में आपने बेसिक पढ़े होंगे ना कि पहले ब्रैकेट ओपन होता है, तो इस हिसाब से 7 × 5 = 35 और ये प्लस में 12 यानी कि ये हो जाएगा आप लोगों का 47। तो वो जो शेल्टर है उस पर्टिकुलर शेल्टर को बनाने के लिए या उस शेल्टर का जो एरिया है वो 47 m² है, ठीक है। वो पर्टिकुलर शेल्टर का एरिया कितना है, शेल्टर का एरिया 47 m². अब ये जो शेल्टर है ये काय से बनेगा, ये पर्टिकुलर शेल्टर उस टारपोलिन से बनेगा। हो सकता है कल को तुम प्लास्टिक से भी बना लो भाई, तो कोई भरोसा नहीं है, हो सकता पत्तों से ही बना लो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जिससे बनाना है बनाओ, बट फिलहाल क्वेश्चन में ये शेल्टर टारपोलिन से बनेगा। तो अगर शेल्टर का एरिया 47 m² है,
सो देयर फोर वो जो टारपोलिन है जिससे आप वो शेल्टर बनाने वाले हो, उस पर्टिकुलर टारपोलिन का एरिया भी 47 मीटर स्क्वायर होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे अगर आपको कोई पूछेगा हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयर फोर 47 मीटर स्क्वायर ऑफ टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, इतनी टारपोलिन हम लोगों को लगेगी, ये हम लोगों का फाइनल आंसर। तो इसी के साथ ये डिस्कशन हमारा यहाँ पे अभी क्लोज होता है ना। बस, और ध्यान रखें इस सवाल में फॉर्मूला रट्टा ना मारते हुए, ये इमेजिन क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के करिए कि क्या चीज़ें आपके इसमें ओपन है और क्या चीज़ें आपके इसमें क्लोज हैं, और फिर उस हिसाब से फॉर्मूला बनाइए खुद, कभी सवाल को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा एक पार्ट तुमको एक्स्ट्रा बता देती हूँ जो कि मैंने देखा है क्वेश्चन में पूछा जाता है। अच्छा, अब देखो, ये जो टारपोलिन है आप इसको एक प्लास्टिक की पन्नी के जैसा आप समझिए। ठीक है, एक जैसे नहीं रहता घरों में जब धूप आती है तो हरा हरा लगा लेते हैं, बारिश में पानी से बचने के लिए लोग अपने जो कबीलों के घर होते हैं उसे पन्नी बिछा लेते हैं ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। तो टारपोलिन इज़ बेसिकली ए शीट। ठीक है, एक शीट है, और ये शीट की शेप आप रेक्टेंगुलर मान के चलेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर शीट की जो शेप है वो आप क्या मान के चलेंगे? रेक्टेंगुलर। अगर ये शीट एक रेक्टेंगल है तो इसके पास लेंथ होगा और इस शीट के पास ब्रेथ होगा। डू यू एग्री विद दिस? हाँ मैडम, इसके पास लेंथ भी होगा, इसके पास ब्रेथ भी होगा। कई बार क्वेश्चन में वो आपसे क्या करता है, आपको क्वेश्चन में अलग से, मतलब जितना क्वेश्चन आपको अभी दिया था इसके अलावा अलग से और इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर टारपुलिन की लेंथ गिवन दे देता है और आपको ब्रेथ टू फाइंड पूछ लेता है कि बताइए उस पर्टिकुलर टारपुलिन की ब्रेथ, या फिर इसका मैं कहूँ विड्थ, ये कितना है, ये कितना है। ठीक है, ये ऐसे पूछ लेता है तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि हम कैसे निकालें। तो ध्यान रखना, आपको सबसे पहले उस टारपुलिन का एरिया निकालना है जो कि आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 47 मीटर स्क्वायर। अब टारपुलिन आपकी कैसी शेप का दिखता है? रेक्टेंगुलर। तो L इंटू बी लिखना है, L आपको गीवन है रहेगा, गीवन वाली वैल्यू पुट करेंगे, B को आप ऑब्वियस है कि B ही लिखेंगे क्योंकि वो आपका टू फाइंड है, और इस एरिया ऑफ टारपुलिन की जगह ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। यानी कि पहले पूरे क्वेश्चन से एरिया ऑफ टारपुलिन निकालेंगे, फिर वो जिस शेप का है उसको शेप का इमेजिन करते हुए फिर आप वहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हो सकता है कल को लेंथ टू फाइंड देकर ब्रेथ गिवन कर दे, ये भी बन सकता है, बट इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो फिलहाल अभी हम लोगों का ये जो डिस्कशन है 13.1 के क्वेश्चन नंबर 8 का, इसे फिलहाल हम लोग ओवर करते हैं यहाँ पे। ठीक है।